चलो आज आप फटाफट से बना लेते हैं पनीर पॉपकॉर्न, जो बहुत इजी एंड बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमें इनको अच्छे से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। तो अच्छे से पनीर को हम कट करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से इसको लाइक कर लो। तो मैंने यहाँ पर पनीर के बड़े बड़े से क्यूब्स कट कर लिए हैं। फिर हम इनको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्क्रिप भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने यहाँ पर आधा स्पून नमक ऐड किया है, आधा स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, आधा स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर की मैरिनेशन अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे जिसमें एक कप बेसन ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और आधा स्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रख के हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। एंड गाइस, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी फटाफट से ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी एंड आपके बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फटाफट से मेरी रेसिपी को फॉलो करो और ट्राई करके ज़रूर देखो। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने ये पनीर के क्यूब्स, सभी को अच्छी तरीके से ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से हम डुबो डुबो कर इनको निकाल लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है रोस्टिक पोहा, जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। इसकी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। तो देखिए, सभी को हमें इसी तरीके से अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। बारी बारी से हम इसको डुबो डुबो कर इसमें निकालेंगे और पोहे की इसके ऊपर से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से इसी तरीके से तैयार कर लिया है। आप लोग भी ध्यान से देखिए मैं इसको किस तरीके से लगा रही हूँ, सेम आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना। फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम किया है। फिर इसमें हम बारी बारी से इनको ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू हाई रखें और सभी को अच्छी तरीके से ऐड कर लें। फिर हम इनको अलट पलट करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। याद रखें गैस की फ्लेम को लो टू हाई रखें और इनको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें, तभी हमारी पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बनेंगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब अच्छे से हम इनको निकाल लेंगे। सभी को अच्छे से निकाल कर हम बाउल में ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए भाई, हमारी पनीर पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत ही क्रिस्पी लगती है। तो फटाफट से आप लोग भी ट्राई करो, आपको भी ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो हम इनको अच्छे से टमाटो केचप या हरे धनिया की चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो ट्राई करो और इंजॉय करो एंड मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करो और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।